कर्नाटक में जैन संत काम कुमार नदी की हत्या के विरोध में जैन समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। समाजजनों ने इंदौर में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर अपना विरोध जताया और एमजी रोड पर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद जैन समाज के लोग रीगल चौराहा पहुंचे और चक्का जाम करने के साथ नारेबाजी भी की। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक में जैन मुनि आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या के विरोध और जैन तीर्थ स्थलों पर हो रहे कब्जों, जैन मंदिरों में चोरियों से आहत जैन समाज ने इंदौर में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने सबसे पहले एमजी रोड जाम कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने रीगल चौराहे पर चक्का जाम किया। इस मौके पर जैन धर्मावलंबियों ने संतों और मंदिरों में सुरक्षा की मांग रखने की अपील के साथ हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। महाराज जी की जो निशंस हत्या आज तक की अमानवीय सबसे जो हमने सुनी है, पहले करंट लगाया और उसके बाद काट काट के उनके टुकड़े इधर उधर फेंक दिए, उसके विरोध में आज हमने आज रैली निकाली है। हम चाहते हैं कि इस जितने भी हत्यारे थे उनको जल्द जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके फांसी हो और इसकी सीबीआई जांच हो ताकि असली हत्या का कारण पता चल सके। साथ में हमारे जितने भी चल अचल संपत्ति जैन समाज की, उन सभी की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं सरकार ले। जितने भी हमारे मुनिराज हैं उनके साथ में जहाँ भी रुकते हैं, चाहे बिहार में रुके हुए हों, वहाँ पर गवर्नमेंट पुलिस प्रशासन उचित सुरक्षा मुहैया कराए। साथ में हमारा गोमटगिरी तीर्थ सुरक्षित रहे इसके लिए भी, और जैन आयोग का गठन करें जिससे कि हमारे जितने भी धर्म आयतन हैं उनका नामांकन सीमांकन गवर्नमेंट खुद करे और अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखे। बता दें जैन समाज के प्रदर्शन के दौरान रीगल चौराहे से जुला कोर्ट तक लंबा जाम लग गया, जिसे अधिकारियों की समझाइश के बाद खोल दिया गया। जैन समाज के लोगों ने गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका असर इंदौर में भी दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।